6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वे एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था। ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए थे। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर साल 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई थी। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। 6 नवंबर साल 2001 में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण अक्सर युद्ध का शिकार बनता रहा है, जिसमें पानी के कुएं प्रदूषित होना, फसलों का जलना, जंगलों की कटाई, मिट्टी का नाश और सैन्य फायदे के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इन सभी की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई।